नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह इंडिया वेब टीवी तुहाडा स्वागत करता हाँ। बकेरिया विखे एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों के मापियां वालों एकत्र हो के स्कूल प्रशासन वालों बच्चों दी फीसा की वसूली लई परेशान किए जाने के आरोप लगाउंदिया स्कूल मुए रोस जारी किया। एकत्र समूह मापियां ने कोरोना काल दौरान ठप्प होए काम कारा कारण वो फीस देने विच असमर्थ होने के चलते वाधू फीसा माफ़ करन दी मंग कीती। इस मौके स्कूल के चेयरमैन जसवीर सिंह अते स्कूल प्रिंसीपल वालों बच्चों के मापियां नाल गलबात करने उपरांत चेयरमैन जसवीर सिंह होरां मापियां वालों वाधू फीसा वसूलन के लगाए आरोपों नूं नकारदिआं कहा कि स्कूल वालों विद्यार्थियों की लड़ाई पढ़ाई का भी ध्यान रखा जा रहा है अते सिर्फ एनुअल अते मंथली फीसा लईआं जा रही हन। इन्होंने दस्या कि मापियां नाल पूरा कोऑपरेट करते हुए उन्हां पासों बनदिआं फीसा थोड़े थोड़े करके देने की लई रखा जा रहा है अते माणयोग अदालतों के हुक्मां अनुसार वाधा घाटा लिया जाएगा। स्कूल प्रबंधक नाल गलबात तो बाद मापे वालों एक मंग पत्र हलका विधायक मैडम इंदू बाला नूं दिता जिस विच उन्हां वाधू फीसा माफ़ करन दी मंग कीती, जिसते विधायकों ने बच्चों के मापियां वालों अपनी समस्यावां संबंधी जाणू करवाए जाने SDM नाल गल करके जल्द ही हल करवाउण दा भरोसा दिता। इस तरह की होर खबर सुनने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। धन्यवाद। हलका विधायक मैडम इंदू बाला जी घर आए थे उन्होंने निवास स्थान पर और उन्होंने अपना मंग पत्र दिता है और उन्होंने सानू पूरा तसली दवाई इस गल की कि असं इस औखी घड़ी के पेरेंट्स के नाल है और आप कोशिश करा पेरेंट्स जोड़े है जायज़ मंगा जी मनिया जा ट्यूशन फीस 70% किया उन्होंने एडमिशन चार्ज प्लस बस चार्ज या होर किसी तरह एनुअल चार्ज जो कहते आप नहीं देने देवे। माता पिता ने इल्जाम लाया कि इन्होंने 30% स्कूल की फीस वधाई है जो कि अखबार में भी आ चुका है। उसकी कटिंग मैं SSP साहब को भी भेज चुका, DC साहब को भी भेज चुका, SDM साहब को भी भेज चुका और थाना मकेरियां भी दे चुका। असी इस साल कोई एक सिंगल पैसा नहीं वधाया। असी माता पिता को एनुअल चार्ज लै रहे हैं और मंथली फीस लै रहे हैं बस। वो भी माता पिता नाल पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि तुसीं थोड़े थोड़े पैसे सानू किश्तां च देई जाओ, असी तंग नहीं कर रहे उन्हों उन्होंने कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैसा ताकि सारे टीचर्स की सैलरी हर मंथ जा रही है, असी टीचर्स में सैलरी देनी है, असी इन्हें हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम सानू मंथली थोड़ा थोड़ा दे जाओ ताकि टीचरों का खर्चा निकले। मेरी ये टीचर्स अप्रैल मंथ तो लगातार ऑनलाइन क्लासेस लै रही ने, इन दिन नोटबुक मंगवा के चैक कर रही ने, इन दे एग्जाम असी ले है हर इन्हों टेस्ट भी लै रही ने, ऑनलाइन ही टेस्ट भी ले जा रहे हैं और असी तो पूरा जोर अपना लगा रहे हैं कि साडे बच्चों का कोई लॉस ना हो। और फिर भी माता पिता साडे ते इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने फीसा वधाई, असी कोई फीस नहीं वधाई, गवर्नमेंट साडे कोलों पूरा इहदा प्रूफ लै सकदी, असी एक पैसा भी अति नहीं वधाया है। असी कह असी एनुअल चार्ज लै रहे हैं, असी फीस लै रहे हैं जी, फालतू पैसे देते है जी। असी हुण जो ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट का जां हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, अगर इन्हां दे फालतू पैसे होणगे इन्हां दी पाई पाई मैं वापस करांगा, एक एक पैसा वापस करांगा। अगर साडे बंदे होणगे ये प्लीज़ सानू दे के जान, सानू तंग ना करन, मानयोग हाई कोर्ट जी दे ऑर्डर नूं ये दिल ना लगान। नवा बच्चा जदों आंदा उहदी एडमिशन फीस हुंदी है जी, बाद दे विच असीं एनुअल चार्जिस लैंदे हां, वह हमेशा तो हर स्कूल लै रहे हैं। माता पिता इदां दे जिन्हां ने कुछ भी नहीं दिता सानू, बिल्कुल एवें 2-2, 4-4 सौ रुपया दे रहे ने, उहदा 20-25 हज़ार बिल बणिया ते 500-500 रुपया दे रहे, तुसीं दस्सो उहदे नाल साडे टीचरां दा गुजारा चलेगा। असी कहने हैं कि जो थोड़ा 20 हज़ार रुपया बने सू 10 दे दौ, 12 दे दौ, कोई गल नहीं, बाकी किश्तों से दे जाओ। जो स्प्रिंग डेल स्कूल के मापे मेरे को आए हैं जिन्हों के बच्चे उस स्कूल पढ़ते हैं, उन्होंने मैं अपने कार्ड भी दिखाए ने, एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा लै रहे हैं, एडमिशन फीस लै रहे हैं, ट्यूशन फीस भी लै रहे हैं और कहते भी कापियां नहीं तद तक आप चैक करनी जब तक तुम ट्यूशन फीस नहीं देनी। और हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा, असी SDM साहब के नाल मैं गल करांगी इन्हां दे बारे, स्कूल दी जिहड़ी ट्यूशन फीस है
जिहड़े मापे नहीं दे सकदे इन्होंने मैनू अपनियां प्रॉब्लम्स दसियां भी असीं ट्यूशन फीस भी देने विच असमर्थ हाँ तो वह किस्तों के नाल लै लैन बच्चों की जी ट्यूशन फीस है किस्तों के नाल लैन और दूसरा एडमिशन फीस मैं कहनी इन्हों नहीं लैनी चाहिए।